मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा में पहुंचे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक का हस्तिनापुर विधायक जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक ने स्वागत किया। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने मवाना ब्लॉक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों से संवाद किया और जाना कि उन्हें किस तरीके से केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर परीक्षितगढ़ में बहुत अच्छे पर्यटन स्थल हैं और ये भी डेवलप करने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने दिया हुआ है कि सभी मंत्रियों को हर एक लोकसभा क्षेत्र में दो तीन दिन का प्रवास करके जो कुछ हमारी स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है वह कहां तक पहुंची है, लाभार्थियों को मिलने के लिए कहा है और ठीक तरह से और कुछ उसके सूचना या और कुछ कोई यह है तो फीडबैक है तो वापस लाके और हम उसमें सुधार कर सकते हैं, ये योजना है। आज हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सब जगह घूमे, बहुत अच्छे पर्यटन स्थल है, वो और भी डेवलप करना चाहिए, ऐसा मुझे मैंने हमारे विधायक साहब से कहा है, मंत्री साहब से कहा है कि जो कोई यहाँ का जो कुछ प्रपोजल हो वो तैयार करके राज्य सरकार की ओर से हमें केंद्र पर्यटन मंत्रालय में भेज दो, जो कुछ आप भेजेंगे वो हमने उसका निश्चित तौर से अप्रूवल। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर के बिजनौर मवाना लोकसभा के अंदर पर्यटन मंत्री भारत सरकार श्री पद नायक जी को यहाँ लोकसभा बिजनौर में भेजा है, जिसके निमित्त आज मेरी हस्तिनापुर विधानसभा है उसके अंतर्गत आए हैं और सीधा संवाद लाभार्थियों से किया, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो किसान बीमा योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सीधा लाभ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था उसको साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं उनका इम्प्लीमेंट धरातल पे हुआ है, उसके ही सर्वे के लिए सीधा संवाद करने के लिए आदरणीय पर्यटन मंत्री श्रीपद नायक जी यहां पर आज आए हैं।